नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धारा 30 के तहत आहूत की गई नगर निगम सदन की बैठक के दूसरे सड़कों की बदहाली और गड्ढों को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। भाजपा पार्षद कमलेश अग्रवाल ने पीडब्ल्यूडी प्रभारी मनीष महेश पटेल के से पेचवर्क के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और पीडब्ल्यूडी प्रभारी की बोलती बंद हो गई। जिसके बाद मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने खुद मोर्चा संभाला और विपक्ष को गड्ढे से भरे जाने की जानकारी दी। मेयर ने कहा कि जो गड्ढे भर गए हैं बारिश के कारण, उनकी हालत वैसी ही हो गई। मेयर ने यह भी स्वीकार किया कि फिलहाल अभी पूरे गड्ढे भरे नहीं गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे वाले गड्ढों को भरना नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी गड्ढे नगर निगम ने ही भरे। नगर निगम कमिश्नर आशीष वरिष्ठ की छुट्टी पर जाने की बात को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने निंदा की। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शहर में रहते हुए भी निगमायुक्त सदन की पहली बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मेयर ने कहा कि हड़ताल के दौरान जो भी हुआ वह गलत है, लेकिन इस समय निगमायुक्त को मौजूद रहना चाहिए था। सदन की शुरुआत में ही निगमाध्यक्ष रिंकू विज ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जो शिविर लगाए गए हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, इसकी जिम्मेदारी सदन को भी लेनी होगी, क्योंकि यह शिविर गरीबों के लिए लगाया गया है जो कि अपनी दिहाड़ी छोड़कर शिविर में पहुंच रहा है। ऐसे में उसे लाभ ना मिले तो यह उसके साथ अन्याय होगा। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।